नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पा सिंह में। आज हम सिर्फ एक स्क्वायर पीस से ये बिग बैग बनाना सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हमने ये 20 इंच वेट का और 34 इंच लेंथ का क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिया है। नीचे मैंने लाइनिंग, बीच में फॉर्म और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक लगा लिया है। अब यहाँ पर हम 3x3 इंच का स्क्वायर कटिंग कर लेंगे चारों कॉर्नर पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम बैग के स्ट्रैप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यह फैब्रिक ले लिया है जिसकी लेंथ 22.5 इंच लॉन्ग और 3.2 इंच इसकी वेट है। इसको हम इस तरीके से एक किनारा यूं फोल्ड करेंगे, एक किनारा यूं फोल्ड करेंगे और दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमें लाइन लगानी है। यहाँ से 4.5 इंच अंदर की तरफ कॉर्नर से मार्क लगाना है। बैक के जो स्ट्रैप है इस पर हमें 1.5 इंच पर मार्क लगाना है और यूं रख के स्टिच करना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर और इस कॉर्नर पे मार्क लगाना है और लाइन लगा लेनी है। यहाँ से 4.5 इंच अंदर, यहाँ से 4.5 इंच अंदर, स्ट्रैप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के लाइन से स्टिच करना है। अब देखिए, हमें जिप लेनी है 15 इंच की और यहाँ पर स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी स्टिच कर लेना है।
बैग बनने के बाद हमने इसे सीधा कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है, हाइट इसकी 11.5 इंच है, बेस इसका 6 इंच बाय 14 इंच का है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।